तो हम पढ़ रहे थे विभव मापी के अनुप्रयोग, पहला अपन ने पढ़ लिया था, अब दूसरा अनुप्रयोग लेते हैं। मतलब अनुप्रयोग का मतलब होता है विभव मापी की सहायता से अपन कौन कौन से काम कर सकते हैं, कहाँ कहाँ विभव मापी को अपन उपयोग में ला सकते हैं। ठीक है, तो अनुप्रयोग में आप दूसरा अनुप्रयोग देखेंगे, नंबर दो। तो दूसरा अनुप्रयोग क्या कहता है? दो प्राथमिक सेलों के विद्युत भार बलों की तुलना। दूसरा अनुप्रयोग है विभव मापी की सहायता से दो प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना। विद्युत वाहक बलों की तुलना, ये अपना दूसरा अनुप्रयोग है। तो दूसरा अनुप्रयोग समझेंगे आप ध्यान से, दो प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी, मतलब कौन से सेल का विद्युत वाहक बल किस सेल के विद्युत वाहक बल से कितना गुना है। तुलना का मतलब ये कि ये दो गुना है, ये तीन गुना है, या एक चौथाई है, ये अपन पता करना चाहेंगे। ठीक है, तो ये पता करने के लिए सबसे पहले परिपथ चित्र बनाएं। तो परिपथ चित्र कैसे बनाते हैं मैं आपको सिखा चुका हूँ कि सबसे पहले अपन एक विभवमापी तार ले लेंगे। विभवमापी तार ले लिया, विभवमापी तार ए बी ले लिया, फिर प्राथमिक परिपथ बनाएंगे। तो प्राथमिक परिपथ में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो तो सबके लिए सेम है। तो प्राथमिक परिपथ में क्या करते हैं, इस तार के दोनों सिरों पर एक तो सेल जोड़ेंगे, एक कुंजी जोड़ेंगे और एक धारा नियंत्रक जोड़ेंगे। ये बन गया अपना प्राथमिक परिपथ। धारा नियंत्रक को RH से व्यक्त करेंगे, कुंजी को K से, और इसको EP लिख देते हैं। EP मतलब विद्युत वाहक बल, कौन से सेल का, जो प्राथमिक परिपथ में जुड़ा हुआ है उस सेल का विद्युत वाहक बल, और ये प्लस माइनस और इधर से धारा प्रवाहित होने लगी। ठीक है, अगर अपन कुंजी को बंद करते हैं तो इसमें धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, अभी खुली हुई है, अभी धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। तो ये प्राथमिक परिपथ बना लिया विभव मापी का। ठीक है, कैसे बनाते हैं? माना एक विभव मापी तार कैपिटल ए बी है, जिसके दोनों सिरों के मध्य एक सेल, एक कुंजी और एक धारा नियंत्रक जोड़ा गया। इस प्रकार विभव मापी का प्राथमिक परिपथ तैयार किया गया। इस प्राथमिक परिपथ से विभव मापी तार में नियत मान की धारा प्रवाहित होती रही। प्राथमिक परिपथ से विभवमापी तार में नियत मान की धारा लगातार प्रवाहित होती रहेगी। ठीक है, अब उद्देश्य क्या है अपना, दो प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना। तो अपन क्या करेंगे, उन दो प्राथमिक सेलों को द्वितीयक परिपथ में जोड़ेंगे जिनके विद्युत वाहक बलों की तुलना हमें करनी है। मैंने बताया जितने भी परिवर्तन करने होते हैं तो परिवर्तन किस में करते हैं, द्वितीयक परिपथ में। तो जिन दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना हमें करनी है उनको द्वितीयक परिपथ में जोड़ेंगे। और सेलों को कैसे जोड़ा जाता है ये भी बताया आपको, कैसे जोड़ते हैं कि सेलों के धनात्मक सिरे विभवमापी तार के धन सिरे पर जुड़ेंगे। तो विभवमापी तार का धन सिरा कौन सा है, ये वाला, या जो धन टर्मिनल से जुड़ा है वो धन सिरा और ऋण टर्मिनल से जुड़ा है वो ऋण सिरा। तो चाहे एक सेल जोड़ो चाहे दस सेल जोड़ो, जितने भी सेल जोड़ेंगे, सेल जोड़ने का तरीका क्या है कि सेलों के धन सिरे को विभवमापी तार के धन सिरे पर जोड़ेंगे। तो कितने सेल जोड़ने, दो। तो दो सेलों का यहाँ जोड़ा जाए, एक सेल ये जोड़ दिया अपन ने, जोड़ा, इस सेल का धन सिरा विभवमापी तार के धन सिरे से जुड़ा है। एक और सेल जोड़ना है, दो सेल जोड़ने, तो दूसरा भी यही जोड़ो, दूसरा भी यही जोड़ दिया इसी पे, ये लो। तो आप देख पा रहे हो दोनों सेलों के धन सिरे विभव मापी तार के धन सिरे पर जुड़े। क्लियर है? तो द्वितीय परिपथ में दो सेल जोड़े जाएंगे जिनके विद्युत वाहक बलों की हमें तुलना करनी है। तो दोनों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि दोनों के धन सिरे विभव मापी तार के धन सिरे पर जुड़े हों। इन दोनों सेलों के ऋण सिरों को एक द्विमार्गी कुंजी पर जोड़ा जाएगा। द्विमार्गी कुंजी, ये नाम रख दिया मैंने एक्स वाई जय, ये द्विमार्गी कुंजी है। द्विमार्गी कुंजी समझते हैं आप, जो दो तरफ से चलती है उसे द्विमार्गी कुंजी कहते हैं। दो तरफ से, जैसे आपके घरों में यदि आपने देखा हो तो छत पे चढ़ते हैं ऊपर सीढ़ियों से, तो एक ऐसा बल्ब लगाया जाता है जिसका डबल स्विच होता है, नीचे से चालू करके जाओ और ऊपर से बंद कर दो, ऊपर से चालू करके आओ नीचे से बंद कर दो, डबल होता है। तो ऐसी डबल स्विच वाला होता है, है ना, द्विमार्गी कुंजी होती है, दो मार्ग होते हैं। द्विमार्गी कुंजी का मीनिंग क्या है ये समझना है पहले आप।
किधर, तो द्युमार की कुंजी का मीनिंग क्या है, इसमें तीन टर्मिनल होंगे ऐसे, ठीक है, ये तीन टर्मिनल होंगे एक्स वाई और जेड, इसमें दो तार तो ऐसे जुड़े होंगे यू, और एक तार ऐसे जुड़ा होगा, जुड़ा हो, अब मान लो इधर से धारा आ रही है, इधर से धारा आ रही है, और अभी ये कुंजी खुली हुई है, मतलब ये वाला तार इसके संपर्क में नहीं है और ये वाला तार इसके संपर्क में नहीं है, नहीं है, तो बता जो ये धारा आ रही है कि इस तार में प्रवाहित होगी, नहीं होगी, लेकिन यदि कुंजी एक्स वाई को बंद कर दिया जाए, बंद करने का मतलब होता है धारा प्रवाहित करना, तो इसको बंद कर दें, बंद करने का मतलब इसके बीच में कुछ फंसा दें ऐसा, या एक तार जोड़ दें, तो अब क्या होने वाला है, अब ये धारा यहां से जाएगी, इधर जाएगी और इधर निकल के आ जाएगी, बोला जाएगी, जबकि ये वाली धारा इसमें नहीं जाएगी, तो ये धारा का पहला मार्ग हो गया, एक मार्ग से ऐसे धारा जा रही है। दूसरे केस में क्या कर सकते हो आप, इसको यहां से हटाओ इस कनेक्शन को, और इसकी जगह ये कनेक्शन यहां लगा, अब क्या होगा, अब ये वाली धारा इधर से जाएगी और इधर निकल जाएगी, तो दो मार्ग हो गए, इसी को अपन क्या बोलते हैं, द्विमार्गी कुंजी। अगर कुंजी एक्स वाई को बंद करते हैं तब तो धारा यहां से प्रवाहित होने लगी, और कुंजी वाई जेड को बंद करते हैं तो फिर धारा यहां से प्रवाहित होने लगी, तो समझ में आया द्विमार्गी कुंजी, ठीक है। तो यहां पे फिर से शुरू करते हैं, दोनों सेलों के ऋण टर्मिनल एक द्विमार्गी कुंजी पर जोड़े जाते हैं जिसका नाम है एक्स वाई और जेड। अब द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल वाई से, द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल वाई से एक धारा मापी, और धारा मापी से आगे एक विसर्पी कुंजी जोड़ी जाती है, जे जे मतलब जौकी, जौकी मतलब विसर्पी कुंजी, ठीक है, तो विसर्पी कुंजी जोड़ी जाती है, इस विसर्पी कुंजी को इस चालक तार ए बी पर आगे पीछे सरकाया जा सकता है और किसी भी बिंदु पर संपर्क बनाया जा सकता है, ठीक है, क्लियर है, मतलब जो भी परिवर्तन होता है वो कहां होता है, द्वितीयक परिपथ में होता है, प्राथमिक परिपथ में। तो ये हो गई इस परिपथ की बनावट। तो हम पढ़ रहे हैं विभव मापी की सहायता से दो प्राथमिक सेलों के विद्युत भार बलों की तुलना, तो सबसे पहले बनावट लिखो। अब बनावट में कुछ भी नहीं है, अगर आपको डायग्राम याद है तो इसको देख के आप लिख सकते हो, क्या लिखेंगे, सर्वप्रथम एक विभव मापी तार ए बी लेते हैं जिसके दोनों सिरों के मध्य एक सेल, एक कुंजी और एक धारा नियंत्रक लगाते हैं, इस प्रकार प्राथमिक परिपथ तैयार होता है। प्राथमिक परिपथ से एक नियत मान की धारा इस विभव मापी तार में लगातार बहती रहती है। विभव मापी के द्वितीयक परिपथ में उन दो सेलों को जोड़ा जाएगा, उन दो प्राथमिक सेलों को जोड़ा जाएगा जिनके विद्युत भार बलों की हमें तुलना करनी है, और इस प्रकार जोड़ा जाएगा कि दोनों के धन टर्मिनल विभव मापी तार के धन सिरे पर जुड़े हों, और दोनों के ऋण टर्मिनल एक द्विमार्गी कुंजी एक्स वाई जेड के टर्मिनल एक्स और जेड पर जुड़े हों, द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल वाई से एक धारा मापी के सहारे एक विसर्पी कुंजी जुड़ी होगी, इस विसर्पी कुंजी को इस चालक तार ए बी पर आगे पीछे खिसकाकर किसी भी बिंदु पर संपर्क बनाया जा सकता है। ये आपकी बनावट हो। क्रियाविधि बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, क्रियाविधि समझनी है आपको, तो क्रियाविधि कैसे करेंगे देखना आप। सबसे पहले करते हैं अपन कुंजी के को बंद करते हैं, तो कुंजी के को बंद करते ही परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगी, उसके बाद कुंजी एक्स वाई को बंद करते हैं, एक्स वाई, या ऐसे कहते हैं कि टर्मिनल एक्स और वाई के बीच में एक कुंजी लगाते हैं, कुंजी लगाने का मतलब है संपर्क बनना, जैसे आप समझ रहे हो, ये देखो ये ऐसी होती है कुंजी, इधर से धारा आ रही है, यहां तक आएगी, यहां तक, ये धातु का बना हुआ, ठीक है, एक तार ऐसे जुड़ा है, इससे धारा आ रही है और यहां तक आ रही है, ठीक है, एक तार इधर जुड़ा है लेकिन ये धारा इधर नहीं जा पा रही क्योंकि बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, तो हम क्या करते हैं, कुंजी लेते हैं धातु की बनी, और धातु की बनी कुंजी को कहां फंसा देते हैं, इनके बीच में फंसा दिया, अब बताओ ये संपर्क में आ गए या नहीं, तीनों धातु के, तो इधर की धारा इधर निकल गई, तो इसे बोलते हैं कुंजी को बंद करना, कुंजी लगा दी इसमें, कुंजी बंद कर दी, तो बंद करते ही धारा प्रवाहित होने लगी,
ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि कुंजी के को बंद करेंगे, परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगेगी। उसके बाद क्या करना है, एक्स और वाई टर्मिनलों के मध्य एक कुंजी लगाई जाती है। एक्स और वाई टर्मिनलों के मध्य एक कुंजी लगाई, तो कुंजी लगाते ही ईवन विद्युत बल वाला सेल परिपथ में आ गया। अगेन ईवन विद्युत वाहक बल वाला सेल परिपथ में कार्य करने लगेगा, जबकि ई टू विद्युत वाहक बल वाला सेल परिपथ से विच्छेद है। विच्छेद मतलब अलग है, सेपरेट है, उसका यहाँ परिपथ में अभी कोई रोल नहीं है, क्योंकि इसका यहाँ कोई संपर्क नहीं है। परिपथ पूर्ण नहीं होगा तब तक धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो हम क्या बोलेंगे, टर्मिनल ड्यूमार की कुंजी के टर्मिनल एक्स और वाई के बीच में कुंजी लगाते, कुंजी लगाते ही इवन विद्युत भाग वाला सेल परिपथ में आ गया। आ गया तो परिपथ में आ गया तो इस धारा मापी में विक्षेप उत्पन्न होगा, इस सेल के कारण धारा प्रवाहित होगी और धारा मापी में विक्षेप उत्पन्न होगा। तो हम क्या करेंगे, अब विसर्पी कुंजी को इस विभव मापी तार पे आगे पीछे सरकाएंगे और इसमें विक्षेप देखते रहेंगे और ऐसे बिंदु पे जाके रोकेंगे इसको जहां पे इसमें विक्षेप क्या हो जाए बताओ, शून्य। तो जब इसको आगे पीछे सरकाओगे तो इसका विक्षेप बदलेगा और जब इसमें विक्षेप शून्य हो जाए वहीं रोक दो। तो मान लो इस विभव मापी तार ए बी पर इस बिंदु पे जाके, ये कोई बिंदु सी है, सी बिंदु पे जाके धारा मापी में विक्षेप कितना मिला आपको, शून्य। धारा मापी मतलब गैल्वेनोमीटर, तो गैल्वेनोमीटर में विक्षेप कितना मिला आपको, शून्य। कोई ना कोई बिंदु पे तो मिलेगा, तो मान लो वो बिंदु कौन सा है, सी, तो सी बिंदु पर विक्षेप शून्य मिला। तो जब विक्षेप शून्य मिले तो उस बिंदु को क्या बोलते हैं, संतुलन बिंदु। और सेल के धनात्मक सिरे, वो विभव मापी तार के धनात्मक सिरे से और संतुलन बिंदु की दूरी, ये क्या कहलाएगी बताओ, संतुलित लंबाई। संतुलित लंबाई कितनी हो गई, एल वन। कौन से सेल के लिए आई है, ईवन विद्युत वाहक बल वाले सेल के लिए आई है ना। तो ईवन विद्युत वाहक बल वाले सेल के लिए संतुलित लंबाई एल वन है। तो बताओ विभव मापी के सिद्धांत से, विभव मापी का सिद्धांत क्या है, वी समानुपाती है। ये तो बताया था विभवांतर लंबाई के समानुपाती होता है। विभवांतर की जगह इस सेल के लिए क्या लिखेंगे, विद्युत वाहक बल। विभवांतर का मतलब विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल क्या होता है, सेल के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर होता है ना। तो इसकी जगह तो ये लिख देंगे, और लंबाई की जगह कौन सी लंबाई लिखेंगे बताओ, एल वन। आ गया, समानुपाती चिन्ह हटाओ, नियतांक आएगा क्या आएगा, एक्स। समझाया ये समीकरण नंबर एक, देखो कितनी आसान क्रियाविधि है, कुछ भी नहीं है इसमें। अब आगे क्या करेंगे, अगले प्रयास में मतलब अगली बार क्या करेंगे, यहां से ड्यूमार की कुंजी के टर्मिनल एक्स और वाई इसके मध्य से कुंजी को हटा लेंगे। कुंजी को हटा लिया और इस कुंजी को अब की बार कहां लगा देंगे, वाई और जेड टर्मिनलों के मध्य लगा देंगे। तो वाई जेड टर्मिनल के मध्य कुंजी लगाने से क्या प्रभाव पड़ा, कि जो ईवन विद्युत वाहक बल वाला सेल है वो परिपथ से विच्छेद हो गया और ई टू विद्युत वाहक बल वाला सेल परिपथ में कार्य करने लगा, परिपथ में इंट्रोड्यूस हो। तो अब ये परिपथ ऐसे बनेगा, कंप्लीट परिपथ बोलो बनेगा यानी, ठीक है। तो अब अपन देखेंगे, तो जैसे ये सेल जोड़ा तो धारा मापी में क्या आएगा बताओ, विक्षेप। क्यों, क्योंकि दोनों का विद्युत वाहक बल क्या है बताओ, अलग अलग है। तो धारा मापी में विक्षेप मिलेगा, विक्षेप मिलेगा तो फिर से विसर्पी कुंजी को आगे पीछे सरकाएंगे और ऐसा बिंदु ढूंढेंगे जहां पे धारा मापी में विक्षेप क्या हो जाए बताओ, शून्य। मान लो ये कोई बिंदु है डी, इस डी बिंदु पर धारा मापी में विक्षेप क्या हो गया बताओ, शून्य। कौन से सेल के लिए बताओ, ई टू विद्युत वाहक बल वाले सेल। ये बिंदु इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, डिपेंड करेगा। अगर विद्युत वाहक बल ज्यादा है तब तो इधर मिलेगा, कम है तो इधर मिलेगा, ठीक है, कहीं भी हो सकता है पूरे तार पर। तो ऐसा बिंदु ढूंढो जहां पे धारा मापी में विक्षेप क्या हो जाए, शून्य। तो ये बिंदु क्या कहलाएगा, संतुलन बिंदु। और सेल के धनात्मक सिरे से इस बिंदु की दूरी क्या कहलाएगी बताओ, संतुलित। तो ई टू विद्युत वाहक बल वाले सेल के लिए संतुलित लंबाई कितनी आ गई बताओ, एल टू। तो वही विभव मापी के सिद्धांत से, विभव मापी का सिद्धांत लगाओ दूसरे के लिए, तो क्या लगाएंगे, ई टू समानुपाती एल टू, तो ई टू बराबर एक्स एल टू। आ गया, दोनों के लिए ज्ञात कर लिया। अब समीकरण एक में समीकरण दो का भाग लगा दो, तो दोनों का भाग लगाओ तो क्या मिलेगा,
E1 बटे E2 बराबर L1 बटे, बोलो मिलेगा या नहीं? बस यही रिजल्ट है। हमें क्या करना था? विद्युत भाग बलों की तुलना, तो तुलना हो गई। L1 लंबाई किसने नापी? हमने। L2 लंबाई किसने नापी? हमने। दोनों लंबाइयां हमें पता है, दोनों लंबाई यहाँ रख लो, तो दोनों लंबाई यहाँ रख लो। जैसे मान लो L1 लंबाई आ गई 15 सेंटीमीटर, L2 लंबाई आ गई 10 सेंटीमीटर, तो बराबर E1 बटे E2। तो E1 बराबर कितना आ गया? 1.5 गुणा E2। तो तुलना हो गई कि पहले वाले सेल का विद्युत भाग बल दूसरे वाले सेल के विद्युत भाग बल का क्या है? 1.5 गुना। और टॉपिक क्या था अपना? यही तो था, दो सेलों के विद्युत भाग बलों की तुलना। तो समझ में आया? तो इस तरीके से बताओ, इसमें कुछ कठिन है क्या? क्रियाविधि में क्या करना है? कुंजिके को बंद करो, धारा प्रवाहित होने लगेगी। सर्वप्रथम द्विमार्गी की कुंजी के टर्मिनल एक्स और वाई के बीच में एक कुंजी लगा दो। कुंजी लगाते ही ईवन विद्युत भाग वाला बल वाला सेल परिपथ में आ जाएगा, जिससे धारामापी विक्षेप उत्पन्न होगा। विसर्पी कुंजी को विभव मापी तार पे सरकाया जाएगा। ऐसा बिंदु ढूंढा जाएगा जहाँ धारामापी विक्षेप क्या हो जाए? शून्य। उस बिंदु को संतुलन बिंदु बोलेंगे, और उसकी धनात्मक सिरे से लंबाई को संतुलित लंबाई बोलेंगे। ये फॉर्मूला लगा देंगे। फिर क्या करेंगे? यहाँ से कुंजी हटा के यहाँ लगा देंगे। इसके लिए पुनः संतुलन बिंदु देखेंगे, फिर धनात्मक सिरे से लंबाई को संतुलित लंबाई बोलेंगे, फिर फॉर्मूला लगा देंगे, दोनों का भाग लगा देंगे, खत्म। तो बहुत आसान है, दिखने में बड़ा है लेकिन बहुत आसान है। अगर आपको परिपथ चित्र याद है और कैसे वो वर्क करता है तो सब कुछ लिख सकते हो, केवल फोटो में ही। तो ये था आपका दूसरा अनुप्रयोग, आपके समझ में आया दूसरा वाला? कोई दिक्कत? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अनुप्रयोग नंबर 3। अनुप्रयोग नंबर 3 कहता है किसी अल्प प्रतिरोध का मान ज्ञात करना। किसी अल्प प्रतिरोध का मान ज्ञात करना। तो अल्प प्रतिरोध का मान कैसे ज्ञात करेंगे, ये समझना है। तो अनुप्रयोग नंबर 3 लेते हैं अपन। अनुप्रयोग 3 कहता है आपका अल्प प्रतिरोध का मान ज्ञात करना। मान ज्ञात करना, कोई अज्ञात प्रतिरोध है और बहुत कम मान का है, अल्प प्रतिरोध है, उसका अपन को मान ज्ञात करना है। ठीक है, किसकी सहायता से? विभव मापी की सहायता से। विभव मापी के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, तो विभव मापी की सहायता से कैसे करेंगे आप देखिए। सबसे पहले वही प्राथमिक परिपथ में कोई चेंज नहीं होता है, प्राथमिक परिपथ जैसा है वैसा ही बनेगा। इसको वैसे ही बना दिया हमने, फिर से प्राथमिक परिपथ बनाया, इसमें सेल लगा दिया, कुंजी लगा दी कि धारा नियंत्रक RH, धारा प्रवाहित होगी नियत मान की धारा, और ये विभव मापी तार हो गया ही, इसमें तो कोई परिवर्तन हो ही नहीं। ठीक है, अब अल्प प्रतिरोध का मान कैसे ज्ञात करते हैं, इसका तरीका देखो। तो जो भी चीज़ ज्ञात करनी है उसको कहाँ जोड़ेंगे? द्वितीय परिपथ में। जितने भी परिवर्तन है वो द्वितीय परिपथ में होने, तो द्वितीय परिपथ में जोड़ेंगे। अब देखो, जब सेल को द्वितीय परिपथ में जोड़ा जाता है तो कैसे जोड़ते हैं? कि सेल का धन सिरा विभव मापी तार के धन सिरे से जुड़ा है, लेकिन यहाँ प्रतिरोध की बात हो रही, तो प्रतिरोध में तो कोई धन और ऋण तो होता ही नहीं। एक चालक तार है, उसका प्रतिरोध होता है, उसे चाहे उल्टा जोड़ दो चाहे सीधा जोड़ दो, उसमें कोई धन और ऋण तो होता ही नहीं। तो प्रतिरोध में धन सिरा ऋण सिरा नहीं होता, किधर से भी जोड़ सकते हो आप। ठीक है, तो जोड़ना कैसे, तरीका देखना। द्वितीय परिपथ में एक तो ज्ञात प्रतिरोध जोड़ा जाएगा, कैपिटल R। एक तो क्या जोड़ दिया? ज्ञात प्रतिरोध, जिसका प्रतिरोध हमें पहले से पता है, ज्ञात प्रतिरोध तार जोड़ा जाएगा। और इसी के साथ श्रेणी क्रम में उस अल्प अज्ञात प्रतिरोध को जोड़ा जाएगा जिसका प्रतिरोध हमें ज्ञात है। समझ रहे हो? अल्प प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है तो क्या करेंगे? एक तो ज्ञात प्रतिरोध वाला प्रतिरोध तार जोड़ेंगे, और इसी के श्रेणी क्रम में अज्ञात अल्प प्रतिरोध वाला प्रतिरोध तार जोड़ेंगे। जोड़ दिया हमने यहां तक, कोई दिक्कत? ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब आप ये सोचें कि पहले वाले जो दो अपन ने पढ़े अनुप्रयोग, उनमें नीचे क्या जोड़े थे? सेल।
और सेल से क्या प्रवाहित होती है? विद्युत धारा। तो मतलब नीचे वाले परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होनी चाहिए। तो नीचे वाले परिपथ में विद्युत धारा कैसे प्रवाहित हो सकती है? आर और आर में विद्युत धारा प्रवाहित करें तो प्रतिरोध में तो होगी नहीं ऑटोमेटिक। वहां तो सेल जोड़े थे, सेल से तो विद्युत धारा प्रवाहित होती है, लेकिन यहां तो प्रतिरोध जोड़े, तो फिर यहां विद्युत धारा प्रवाहित होनी चाहिए क्योंकि हम विभवांतर का मापन कर रहे हैं। तो इनके सिरों पर विभवांतर कब उत्पन्न होगा? जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो तभी तो होगा, V बराबर आई है। तो फिर विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए आप अपनी तरफ से एक और सेल जोड़ेंगे, तो इनमें विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए अब एक सेल और जोड़ेंगे। सेल को कैसे जोड़ा जाता है कि सेल का धनसिरा विभव मापी तार के, तो इसी से धनसिरे से एक और टर्मिनल ले लेना। ये देखो ये एक सेल जोड़ देंगे, जोड़ दी। चाहो तो साथ में कुंजी भी जोड़ सकते हो, और धारा को नियंत्रित करने के लिए आप क्या जोड़ सकते हो? धारा नियंत्रक। ठीक है, तो ये आ गया धारा नियंत्रक, ऐसे जोड़ा जाता है हमेशा। ये बन गया, ठीक है, ये आर एच, ये के, और ये ई लिख सकते हो प्लस माइनस। इसको आर एच वन नाम दे दो, इसको के वन नाम दे दो, इसको आर एच टू और इसको के। आपको समझ आया ना ये क्यों जोड़ा गया है? क्योंकि ये सेल जोड़ेंगे तो इससे धारा प्रवाहित होगी, ये धारा इस परिपथ में जाएगी, तो यहाँ पे इनके सिरों पर विभवांतर उत्पन्न होगा। यार क्लियर है? ऊपर वाली धारा ऊपर ही प्रवाहित होगी और नीचे वाली धारा आएगी। क्यों? क्योंकि हम विभव वो धारा मापी में विक्षेप क्या लेते हैं? शून्य। धारा मापी विक्षेप शून्य लेने का मतलब क्या है कि ऊपर वाला विभवांतर नीचे वाले विभवांतर के बराबर हो गया, तो बीच में धारा प्रवाहित नहीं हो रही, मतलब ऊपर वाली ऊपर ही हो रही, नीचे वाली नीचे हो रही। समझ रहे हो? तो एक सेल यहाँ जोड़ दिया, इसमें धारा प्रवाहित करने की जोड़ा है। उसके बाद देखो अब एक टर्मिनल तो यहां से निकाले आप, ये आ गया एक टर्मिनल, समझे आप? एक टर्मिनल यहां से निकालेंगे आ गया, और एक टर्मिनल आप यहां से निकालेंगे आगे, तीन टर्मिनल हो गए। एक तो इसके सिरों के मध्य विभवांतर ज्ञात करेंगे तो दो सिरे चाहिए इसके, एक इसके सिरों के मध्य विभवांतर ज्ञात करेंगे दो सिरे चाहिए, तो ये तीन टर्मिनल बन गए, बन गए। और तीनों टर्मिनलों को मिला के ये क्या बन गई आपके पास? द्विमार्गी कुंजी। क्या बन गई बताओ? द्विमार्गी कुंजी, जिसका नाम रख दिया एक्स वाई और जेड। क्लियर है क्या? और द्विमार्गी कुंजी के बीच वाले टर्मिनल से क्या जोड़ेंगे? एक धारा मापी जोड़ेंगे, और धारा मापी की सहायता से एक क्या जोड़ी जाएगी? विसर्पी कुंजी, जिसको विभव मापी तार ए बी पर सरकाया जाता है। तो बस ये नीचे वाला परिपथ आपको बनाना आना चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं है। समझे आप यहाँ तक? फिर से मैं रिवाइज करता हूँ आपको। देखो सर्वप्रथम विभवमापी तार ए बी लेंगे, उसके सिरों के मध्य एक सेल, एक कुंजी, एक धारा नियंत्रक जोड़ेंगे और प्राथमिक परिपथ को पूर्ण करेंगे। इस प्राथमिक परिपथ से विभवमापी तार में एक नियत मार्ग की धारा प्रवाहित होती है। जिस अल्प प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है उस अल्प प्रतिरोध को एक ज्ञात प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में विभव मापी के द्वितीय परिपथ में जोड़ा जाएगा। सही है? अल्प प्रतिरोध को ज्ञात प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में विभव मापी के द्वितीय परिपथ में जोड़ा जाएगा, और इन प्रतिरोधों में धारा प्रवाहित करने के लिए एक सेल, एक अन्य कुंजी के टू, एक अन्य धारा नियंत्रक आर एच को भी द्वितीय परिपथ में जोड़ा जाएगा। ये सेल इस प्रकार जोड़ा जाएगा कि इसका धनसिरा विभव मापी तार के धनसिरे पर जोड़ा हो और ऋण सिरा कुंजी धारा नियंत्रक इससे। ठीक है, दोनों प्रतिरोधों के सिरों के मध्य, दोनों प्रतिरोधों के अंतिम सिरों से तीन टर्मिनल बनाए गए, दोनों प्रतिरोधों के
अंतिम सिरों से तीन टर्मिनल बनाए गए, या ऐसे बोल दो कि दोनों प्रतिरोधों के अंतिम सिरे एक द्विमार्गी कुंजी एक्स वाई जेड पर जुड़े होंगे। दोनों प्रतिरोधों के अंतिम सिरे एक द्विमार्गी कुंजी एक्स वाई जेड पर जुड़े होंगे और द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल वाई से एक धारामापी और एक विसर्पी कुंजी जुड़ी होगी। विसर्पी कुंजी को विभवमापी तार पर आगे पीछे सरकाया जा सकता है, किसी भी बिंदु पर संपर्क बनाया जा सकता है। ये हो गई इसकी बनावट। अब बात करेंगे इस अल्प प्रतिरोध का मान कैसे ज्ञात करेंगे। हमें R का मान पता है, R क्या है, ज्ञात प्रतिरोध कैपिटल R, और स्मॉल R अज्ञात है, इसका मान हमें ज्ञात करना है विभव मापी की सहायता से। कैसे ज्ञात करें, तरीका देखो। तो अब क्रियाविधि आपको समझ आ जाएगी पिछले वाले के जैसी है। कैसी है बताओ। सबसे पहले क्या करेंगे, कुंजी केवल को बंद किया, विभव मापी में धारा प्रवाहित होने लगी, ठीक है। फिर क्या करें, कुंजी K2 को बंद कर दिया तो प्रतिरोधों में धारा प्रवाहित होने लगी। धारा नियंत्रक की सहायता से अपने हिसाब से सेट कर लो कम ज़्यादा जो धारा करनी है आप, ठीक है। तो आगे चलो, अब क्या करें, सबसे पहले द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल एक्स और वाई के मध्य एक कुंजी लगाते हैं। समझ में आया, द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल एक्स और वाई के मध्य एक कुंजी लगाएंगे। तो एक्स और वाई के मध्य कुंजी लगा दी जाए तो बताओ कौन सा प्रतिरोध परिपथ में काम करने लगेगा। कैपिटल आर वाला, कैपिटल आर वाला परिपथ में आ गया है, नहीं बताओ। तो यहां से देखो, इधर से ये देखो, इधर से धारा गई, ऐसे आई, ये आई, यहां आ गई, बोला आई ना, ये यही वाला प्रतिरोध तो आया, बताओ। इसके सिरों पर विभवांतर ज्ञात कर सकते हैं, ये वाला परिपथ में आ गया और ये वाला काम नहीं कर रहा है अभी परिपथ में, क्योंकि ये परिपथ टूटा हुआ है। इस परिपथ में विभव मापी वाले इसमें तो काम कर रहा है, लेकिन इससे अपन को कोई लेन देन नहीं, अपन को तो विभवांतर का मापन करना है जो इससे होगा। तो इसमें कौन सा प्रतिरोध आ गया, कैपिटल आर। तो कैपिटल आर आ गया। अब क्या करेंगे, जैसे ये कुंजी जोड़ी जाएगी या कुंजी लगाई जाएगी तो प्रतिरोध कैपिटल आर विभव मापी के परिपथ में कार्य करने लगेगा। इसके सिरों पर विभवांतर उत्पन्न होगा जिससे धारा मापी में विक्षेप उत्पन्न होगा। अब हम विसर्पी कुंजी को आगे पीछे सरकाएंगे और ऐसा बिंदु ढूंढेंगे जिस पर विक्षेप क्या हो जाए, धारा मापी विक्षेप शून्य। मान लो वो बिंदु सी है जिस पर विक्षेप शून्य हो गया, इसकी धनात्मक सिरे से लंबाई नापेंगे, L1 आ गई, ये संतुलित लंबाई हो गई। तो ये संतुलित लंबाई L1 जो आई है वो किसके लिए आई है, प्रतिरोध कैपिटल R के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर के लिए। विभव मापी से किसका मापन करते हैं, विभवांतर। तो ये जो संतुलित लंबाई L1 आई किसके लिए आई है, प्रतिरोध कैपिटल R के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर के लिए। मान ले इसके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर V1 है, मान ले, तो फिर विभव मापी के सिद्धांत से V1 समानुपाती होना चाहिए किसके, बताओ, L1 के। विभव मापी का सिद्धांत यही तो है कि जो विभवांतर है वो समानुपाती होता है संतुलित लंबाई, क्लियर। अब देखो V1 बराबर XL1, समानुपाती हटाएं तो नियतांक आता है X, विभव प्रवणता, तो XL1 आएगा। अब गौर से देखो, मान ले कि यहां से ये जो धारा प्रवाहित हो रही है इस परिपथ में, ये धारा कितनी है I, तो ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े, तो श्रेणी क्रम में धारा का मान क्या रहता है, समान। तो इसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, I। अब आप मुझे बताओ, कैपिटल R प्रतिरोध है, I धारा प्रवाहित हो रही है, तो ओम के नियम से विभवांतर कितना उत्पन्न होना चाहिए, IR, V बराबर। तो बताओ V1 की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, V1 की जगह IR लिख सकते हैं क्या, बताओ, I और R, I धारा प्रवाहित हो रही है, R प्रतिरोध, V1 की जगह IR लिख दिया, तो IR बराबर XL1, समीकरण नंबर 1, सही है। अब छोड़ो इसको, दूसरी स्टेप पे आओ। दूसरी स्टेप पे क्या करेंगे, द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल XY के मध्य से ये कुंजी निकाल लेंगे और निकाल के इसे कहाँ लगा देंगे, YZ के मध्य, टर्मिनल YZ के मध्य लगा देंगे। तो टर्मिनल YZ के मध्य लगाते ही क्या हो जाएगा, बताओ,
जो कैपिटल आर प्रतिरोध है ये परिपथ से अलग हो जाएगा नहीं? और अब कौन सा प्रतिरोध आएगा? स्मॉल आर आएगा, बोला आएगा नहीं? अब की बार कौन सा प्रतिरोध आ जाएगा? स्मॉल आर, ये तो आएगा, तो अब की बार स्मॉल आर आएगा। देखिए आप, इसमें थोड़ी सी परिपथ संयोजन में मिस्टेक हो गई है। वो क्या है कि ये जो है, ये वाला जो टर्मिनल है, ये है ना, ये वाला टर्मिनल, ये यहां नहीं जोड़ेंगे, और ये जो टर्मिनल है वाई वाला, ये यहां ना जोड़ के सीधे कहां जोड़ेंगे बताओ? एक्स। ठीक है, समझ आया? हमने क्या किया, वाई वाला जो टर्मिनल था उस पर दो कनेक्शन कर दिए डायरेक्ट, तो वो तो सीधी धारा जा रही थी, जबकि अपन ने पिछले में बताया था कि एक कनेक्शन यहाँ होगा, एक यहाँ होगा और एक यहाँ होगा। ठीक है, ये गड़बड़ हो गई, तो फिर से री करते हैं, री समझते हैं, वापस से क्रिया होती है ना, आंसर ये आएगा, री समझते हैं इसको। तो देखो, सबसे पहले क्या किया, कुंजी के वन को बंद किया और कुंजी के टू को बंद किया, परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगी आई, तो परिपथ में आई धारा प्रवाहित होगी। यहाँ आओ, इस अल्प प्रतिरोध में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है? आई हो रही है। तो हमने क्या किया, यहाँ एक कुंजी लगा दी, टर्मिनल एक्स और वाई के बीच में कुंजी लगा दी, तो कुंजी लगाते कौन सा प्रतिरोध काम करने लगेगा विभव मापी के साथ? तो कौन सा प्रतिरोध काम करने लगेगा विभव मापी के साथ? देखो, ये कौन सा प्रतिरोध आ रहा है बताओ? कैपिटल आर, कैपिटल आर ही तो आ रहा है बताओ। यूं आए अपन, तो परिपथ में कौन सा प्रतिरोध आ रहा है? कैपिटल आर। यहां तो टूटा हुआ है परिपथ, तो कैपिटल आर आ रहा है, तो मतलब इसके लिए संतुलित लंबाई ले ली एल वन, तो मान लो इसके सिरों के मध्य पे विभवांतर कितना है? वी वन, तो वी वन समानुपाती एल वन, वी वन बराबर एक्स एल वन। मान लो आई धारा प्रवाहित हो रही है, आई धारा प्रवाहित हो रही है, तो ये कितना हो जाएगा विभवांतर ओम के नियम से? आई आर, तो आई आर बराबर एक्स एल। सही, यहां तक समझ गए। अब दूसरे केस में देखो, दूसरे केस में ये कुंजी हटाई और ये वाली कुंजी लगा दी यहां वाई और जेड के बीच। अब गौर से देखो, ये तो टूट गया परिपथ, इसमें तो कोई धारा प्रवाहित होगी नहीं अब, क्योंकि बीच में टूटा हुआ है ना, तो इसमें तो कोई धारा प्रवाहित होनी नहीं है, तो ये तो हो गया बेकार, इसको तो भूल जाओ। ठीक है, तो अब अगर गौर से देखा जाए तो विभव मापी में क्या आ रहा है? विभव मापी को यहां से देखो, यू आए, फिर यू गए, फिर यू गए, फिर यू गए। सही है, तो अब की बार आप देख पा रहे हो, यू जाके ऐसे आ रहे हैं, तो अब की बार ये दोनों प्रतिरोध आ रहे हैं या नहीं बताओ? अब की बार ये दोनों प्रतिरोध आ रहे हैं परिपथ में, इस तार का तो कोई मतलब ही नहीं है, ये तो बीच में टूटा हुआ है, तो इधर से आए, यू आए, दोनों प्रतिरोध आ गए, फिर यू गए, यू गए, यू गए। ठीक है, तो अब दोनों प्रतिरोध आ गए, तो प्रतिरोध बढ़ गया, प्रतिरोध बढ़ा तो इनके सिरों पर विभवांतर भी बढ़ेगा, और विभवांतर बढ़ेगा तो लंबाई भी क्या मिलेगी आपको? अलग मिलेगी। तो पुनः क्या करें, पुनः इस विसर्पी कुंजी को आगे पीछे सरकाएंगे और इस विभवमापी तार पे कोई दूसरा बिंदु ढूंढेंगे, मान लो कि डी बिंदु मिला, ये संतुलन बिंदु है, इसके लिए लंबाई कितनी आ जाएगी बताओ? एल टू। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इन दोनों का एक साथ आ गए ना, ये एक साथ आ गए, तो दोनों के संयोजन के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V2 है, तो V2 समानुपाती L2 आएगा, तो V2 बराबर कितना हो जाएगा? XL2 हो जाएगा। अब V2 क्या है? V2 इन दोनों प्रतिरोधों के संयोजन के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर। तो ये कौन से संयोजन में जुड़े? श्रेणी क्रम, इस तार का तो कोई मतलब ही नहीं है, इसमें धारा ही नहीं जा रही, इसको मिटा सकते हो आप, तो कौन से परिपथ में जुड़े? श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े, तो श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा? आर प्लस आर, दोनों जुड़ जाएंगे आर प्लस आर, और इसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है? आई, तो कुल प्रतिरोध है आर प्लस आर और धारा प्रवाहित हो रही है आई, धारा आई है, कुल प्रतिरोध आर प्लस आर है, तो विभवांतर कितना हो गया ओम के नियम से? V बराबर आई आर, तो मतलब V2 जो विभवांतर है वो कितना होगा? आई आर प्लस आर, और बराबर कितना आ गया बताओ?
एक्स एन टू, समीकरण नंबर दो। ठीक है, अब आप क्या करो, दोनों का भाग लगा दो, समीकरण दो और एक का भाग लगाओ आपस में। तो याद रखो आप आई आर बराबर एक्स एल वन और आई आर प्लस आर बराबर एक्स एल टू, यही तो है। अगर भाग लगाएंगे इनका तो भाग लगाने पे क्या बनेगा, आई आर प्लस आर बराबर तो क्या था एक्स एल टू, और आई स्मॉल आर आई कैपिटल आर बराबर क्या था एक्स एल वन। लगा दिए भाग, एक्स कैंसिल आई कैंसिल, अलग अलग बटे कर लो, एक प्लस आर बटे आर बराबर एल टू बटे एल वन, इसको माइनस में ले आओ तो आर प्लस आर बटे आर बराबर एक माइनस करो, और एलसीएम ले लो तो एल टू माइनस एल वन बटे, तो स्मॉल आर का फॉर्मूला क्या आ गया, एल टू माइनस एल वन बटे एल वन गुणा आर आ गया, ये आया फॉर्मूला। तो क्या ज्ञात करना था, अल्प प्रतिरोध, अल्प प्रतिरोध ज्ञात हो गया, बता एल वन हमने ही नापा था, एल टू हमने नापा था, और कैपिटल आर क्या है, ज्ञात प्रतिरोध, तो इनके मान रख दो तो अल्प प्रतिरोध आ जाएगा। ठीक है, तो क्रियाविधि समझ में आई आपके, फिर से देख लो भले एक बार, बताए क्रियाविधि में क्या करना है, ये कुंजी बंद की, ये कुंजी बंद की, पहले टर्मिनल एक्स वाई के बीच में कुंजी लगा दो, तो फिर ये वाला प्रतिरोध कैपिटल आर वाला प्रतिरोध जो है वो काम करने लगेगा। इसके लिए शून्य विक्षेप बना लो या विसर्पी कुंजी को आगे पीछे सरका के संतुलित लंबाई L1 ले लो, तो V बराबर XL1 और V की जगह क्या लिखेंगे, I इंटू कैपिटल R, सही। और दूसरे केस में क्या करें, कुंजी यहाँ से हटा के यहाँ लगा दो, तो अब की बार परिपथ कैसे काम करेगा, यूं ऐसे आए और यहाँ से जाएगा, तो अब की बार दोनों प्रतिरोध आ गए परिपथ में, तो इसके लिए वही विसर्पी कुंजी को आगे पीछे सरका के शून्य विक्षेप बनाओ, संतुलित लंबाई L2 आ जाएगी, तो V2 बराबर XL2, और V2 की जगह क्या लिखेंगे, धारा कितनी प्रवाहित हो रही है I, और कुल प्रतिरोध कितना है R प्लस, तो V2 बराबर I R प्लस R, दो समीकरण बने, दोनों का भाग लगा दो तो आपको अल्पमान का प्रतिरोध ज्ञात हो जाएगा। ठीक है,